सो गाइस फाइनली अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं ग्राउंड के, जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। तो देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का अभी क्या नज़ारा और क्या डेकोरेशन वगैरह चल रहा है। ये है पंडाल जो बन के अभी तैयार होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए, चलिए आपको अभी अंदर भी लेके चलेंगे और अंदर से डेकोरेशन भी दिखाएंगे। कुछ कुछ कंप्लीट अभी और बहुत कंप्लीट होना बाकी है। यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे शो होगा दोस्तों कंप्लीट। यहाँ पे शो, गाना, डांस, फंक्शन कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 2-3 दिन के बाद वाला चीज़ें। खाना तो देखिए, लेकिन लंबाई देखिए, कुर्सी देखिए कितना लगा हुआ है। मतलब भीड़ तो पागल जैसे भीड़ होगा 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद यहाँ पे पूरा तबाही होने वाला है। डांस, गाना, म्यूजिक, डीजे, और वो देखिए टेंट वेंट लगा हुआ है। या सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आती है, बंगाली सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो लोग सब कुछ आते थे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर, आपका अपना नितेश गोस्वामी व्लॉग्स। सबसे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। एंड आज है हमारा मोहल्ले, आज से यहाँ मोहल्ला शुरू हो रहा है। और आपके लिए एक मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि मैं अभी कोलकाता में हूँ और दुर्गा पूजा के टाइम हूँ गाइज। तो आज मैं आपको मोहल्ला के दिन यहाँ पे, मैं अभी प्रेजेंटली न्यू टाउन में हूँ। तो न्यू टाउन के पास आपको मैं एक ऐसे जगह में ले जाने वाला हूँ जहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन एंड पंडाल बना हुआ है। दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से पहले एक ब्लॉग डाल दूँ ताकि आप देख पाओ कि दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले का सीन क्या था एंड फिर दुर्गा पूजा शुरू हो जाने के बाद का फिर यहाँ पे क्या पे सीन रहेगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं प्रेजेंटली न्यू टाउन बस स्टैंड के पास खड़ा हूँ दोस्तों। मतलब बस स्टैंड मेरे से जस्ट पीछे ही है, वहाँ पे है बस स्टैंड और यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ से सारा डेकोरेशन वगैरह शुरू हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई देर किए आपको ले चलते हैं सेंट्रल मॉल के पास। ज़बरदस्त पंडाल बना हुआ है, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दुर्गा पूजा का स्टार्टिंग हो चुका है आज से गाइस। तो हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड न्यू टाउन में है हम लोग, तो यहाँ पे और अच्छा सा डेकोरेशन हुआ है। और एक ब्लॉग आएगा जो रात का रहेगा, जिसमें पूरा रोड वगैरह कंप्लीट डेकोरेटेड है, लाइट्स वगैरह कंप्लीट लगी हुई है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी चैनल पर नए हैं उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए तो चलिए आपको न्यू टाउन एक्सप्लोर करवाते हैं दुर्गा पूजा में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हो चुकी है डेकोरेशन शुरू। चलिए आपको बीच से लेकर चलता हूँ। आप देखिए हर 10 कदम में यहाँ पे कुछ इस तरीका से डेकोरेशन किया गया है, कुछ इस तरीका से पंडाल लगाया गया। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होते जाएगा। हम क्या ही बताएं, मतलब रात में तो ऑसम, मतलब कि रात में तो इतना खूबसूरत लग रहा था। आप देख सकते हो यहाँ के हर पेड़ में, मतलब अभी मैं ऐसे तो आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा, मैं क्लोज आते समय आपको ले जाऊँगा। हर पेड़ में हर 10 कदम के गैप पे आप बोलो यहाँ पे कंप्लीट लाइट लगी हुई है। मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है कि जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा होता है तो ये पूरा न्यू टाउन ग्लो कर जाता है। अभी मैं न्यू टाउन में हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ न्यू टाउन ग्लो कर जाता है, लेकिन वैसे तो पूरा कोलकाता ग्लो कर रहा है। तो चलिए आज हम आपका शुरुआत करते हैं न्यू टाउन से दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और आप देख ही रहे होंगे मैं ऑलमोस्ट हर 10 कदम में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डेकोरेशन दिख ही रहा होगा या पंडाल दिख ही रहा होगा। अब हम कुछ ही देर में 100 से 200 मीटर के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं सेंट्रल मॉल। एंड वहीं पे जो नया ज़बरदस्त पंडाल बन रहा है वो आपको दिखाऊंगा गाइस। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए हम लोग चलते हैं आपको लेकर। ये देखिए दोस्तों हर 10 कदम में जैसा कि मैंने आपको बताया और अभी कंटिन्यू ही है सब कुछ। तो बेसिकली आज है मोहल्ला और मोहल्ला आज से शुरू है, कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो कोलकाता पूरा जगमगा उठेगा। कोलकाता इसीलिए फेमस ही है, मतलब फेमस तो बहुत चीज़ों के लिए है, दिस इज सिटी ऑफ जॉय, पर कोलकाता का दुर्गा पूजा इज लाइक वाओ। एंड दिस टाइम फर्स्ट टाइम, मतलब मैं 6 साल में पहली बार यहाँ पे कोलकाता में ऐसे टाइम में रुका हूँ, वरना मैं घर चला जाता था, लेकिन इस बार मैं रुका हूँ। तो आपको मैं एक्सप्लोर करवाऊँगा, जो भी लोग कोलकाता में नहीं आ सकते या कोलकाता में कैसे सेलिब्रेशन होती है वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। और जो अगर आना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में विजिट करूँगा कोलकाता, आपके लिए है। तो आप देखिए, इन्जॉय कीजिए एंड प्लान कीजिए और आइए कोलकाता।
तो दोस्तों फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं सेंट्रल मॉल के पास, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो सेंट्रल मॉल में पहुंच चुका हूं दोस्तों। और यहां पे काफ़ी अच्छा पंडाल बना हुआ है, तो मैं आपको अब ज़बरदस्त पंडाल का नज़ारा देने वाला हूं, तब तो वीडियो में बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आपका जर्नी सेंट्रल मॉल के इस पंडाल को दिखाने का। तो उसके आसपास भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन करके रखा है। ये है सेंट्रल मॉल दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ही है सेंट्रल मॉल। और मेरा मतलब हम लोग ज़्यादा दूर अभी ट्रैवल करके नहीं आए हैं। और उस तरफ है आपका नोवोटेल होटल और उधर है एक्सिस मॉल। तो ये है सेंट्रल मॉल के पास जो बहुत अच्छा ही डेकोरेशन किया गया। चलिए आपको पूरा रोड से शुरू करते हैं, रोड से जो पूरा डेकोरेशन किया गया वो आपको कंप्लीट दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, फिर पंडाल की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों पूरा रोड को यहाँ पे कलर किया गया है और यहाँ पे काम अभी भी चल रही है। आप देखिए पूरा जोरों शोरों से काम चल रही है दोस्तों। तो आप लोग आइए मस्त यहाँ पे एकदम आके आप एंजॉय कर सकते हैं। बैकग्राउंड में तो म्यूजिक बजा दिया है जो कि कॉपीराइट मारेगा ही मारेगा, क्योंकि यूट्यूब वाला तो कोशिश करता है कैसे नितेश गोस्वामी को कॉपीराइट मारे। ऐसे क्या लिखा हुआ है यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बगान न्यू मार्केट, मैं सांप के तरह चल रहा हूं दोस्तों। ये क्या श्याम बाजार, यार बंगाली तो पढ़ने आता नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त जो भी बंगाली फ्रेंड्स मेरे ये वीडियो देख पा रहे हैं तो कृपया कमेंट में बता दे कि ये बंगाली में क्या लिखा हुआ है। बाकी दास चिकन नंदू जी पार्क स्ट्रीट। और ऐसे आप देखते जाओगे तो बहुत आगे तक मतलब कंप्लीट पूरा बनाया गया है, कंप्लीट डेकोरेशन किया गया आगे तक। लेकिन हम लोग आपको ले के चलेंगे इस तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं ग्राउंड के जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। तो देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का अभी क्या नज़ारा और क्या डेकोरेशन वगैरह चल रहा है। ये है पंडाल जो बन के अभी तैयार होने वाला और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए, चलिए आपको अभी अंदर भी लेके चलेंगे और अंदर से डेकोरेशन भी दिखाएंगे। कुछ कुछ कम्प्लीट अभी और बहुत कम्प्लीट होना बाकी है। ये वाला कब तक बन के तैयार हो जाएगा दादा, ये वाला कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 4-5 दिन में, मतलब आज महल्या है तो आज से 4-5 दिन में ही बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने बात करवाया जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो बोले कि इसको और बनने में 4-5 दिन और लगेगा और आज महल्या है दोस्तों। तो मैं एक व्लॉग ऐसा लाना चाहता था जैसे दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले का वाइव और वातावरण और माहौल क्या है कलकत्ता में, वो मैं दिखाना चाहता था। तो ये है आज महल्या के दिन का व्लॉग दोस्तों। तो मैं आपके सामने ये जब कंप्लीट हो जाए तब मैं एक ब्लॉग लाऊंगा, कंप्लीट हो जाने के बाद तब का सीन और होगा। तो मतलब ये एक अच्छा सा वीडियो है, मतलब कि आप देख सको कि कैसे ज़बरदस्त तैयारी चलती है यहाँ पे दोस्तों। देखिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ धीरे धीरे अंदर में, पता नहीं जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फ्लोरिंग का काम पूरा ज़बरदस्त चल रहा है, इन लोगों 3 से 4 दिन में ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म करना है दोस्तों। क्योंकि उसके बाद का जो सीन रहेगा ना वो मैं जो ब्लॉग लाऊंगा ना आप देखकर एकदम हैरान हो जाओगे कि अभी ये क्या है, ये क्या से क्या में चेंज हो जाएगा आप मान भी नहीं पाओगे। मतलब इसलिए मैं अंदर अभी गया नहीं ताकि ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग भी रहेगा और एक्साइटिंग भी रहेगा। मैंने यहाँ तक ला कर आपको दिखाया है और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए दोस्तों, ये न्यू टाउन सेंट्रल मॉल के पास का जो सीन है उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पार्ट 1 तक मैं आपको दिखाया,
उसके बाद पार्ट बी है, सी है, मतलब कि ये कंप्लीट एक बहुत बड़ा सा पंडाल बनने वाला है। इसका थीम भी बहुत यूनिक होने वाला है, तो मैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब फिर मैं आपको ये लेकर आऊँगा। अभी देखिए वहाँ पे फूड कोर्ट लगा हुआ, चलिए आपको देखिए दोस्तों ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, काम धंधा चल, पूरा साफ सफाई चल रहा है यहाँ पर अभी, जोरों शोरों से काम चल रही है, साफ सफाई चल रही है। 2 से 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है ताकि यहाँ पे फिर वो जो आपको फाइनल डेकोरेशन, इधर है पंडाल जहाँ मैं आपको ले गया था अभी, और यहाँ पे है स्टेज वगैरह लगा हुआ, यहाँ पे शो होगा दोस्तों कंप्लीट, यहाँ पे शो, गाना, डांस, फंक्शन कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है। और वो देखिए टेंट वेंट लगा हुआ है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आती है, बंगाली सेलिब्रिटीज़ हो गए वो लोग सब कुछ आते हैं, तो यहाँ पे भी टेंट लगा हुआ है, पूरा मेला लगेगा कंप्लीट भयानक सा, तो मज़ेदार वीडियो बनने वाला है 4-5 दिन के बाद। ये देखिए दोस्तों ये है इस तरफ से व्यू, वो ये आपका लेफ्ट व्यू है, और यहाँ पे देखिए आपको पीछे से पंडाल दिखा दे, और आपको यहाँ पे जो भी मेला लगने वाला है वो सब देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ है, तारामाचिस है, ब्रेक डांस है, ड्रैगन है, सब कुछ कंप्लीट अनलोड हो चुका है, बस सब कुछ अब 3-4 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग लग रहा होगा दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 2-3 दिन के बाद वाला चीज़ है। और खाना पे देखिए लंबाई देखिए, कुर्सी देखिए कितना लगा हुआ है, मतलब भीड़ तो पागल जैसे भीड़ होगा 2-3 दिन के बाद। देखिए यहाँ पे कंप्लीट यहाँ से यहाँ पूरा एकदम क्या बोलूँ मैं, 2-3 दिन के बाद यहाँ पे पूरा तबाही होने वाला है दोस्तों। ये देखिए ये जो शो, ये जो टेंट तैयार हो रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे होगा डांस, गाना, म्यूजिक, सिंगिंग वगैरह पूरा फुल ऑन होने वाला है दोस्तों। तो गाइज मतलब आज मैं अगर ये नई वीडियो बनाता ना कि सब कुछ बन जाने के बाद कैसा होता है वो वीडियो आता है, तो फिर वो मतलब आसान हो जाता है ना, मतलब सब कुछ जब बन रहा होता है और बन के जब तैयार हो रहा होता है उस समय मतलब एक एक्साइटिंग लेवल और बढ़ जाएगा आपके लिए कि यार ये अभी इतना एक्साइटिंग दिख रहा है, अमेजिंग दिख रहा है, तो ये 2-3 दिन के बाद जब कंप्लीट हो जाए तब और कितना मज़ा आएगा। मतलब अभी हम जस्ट इमेजिन कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ होगा दोस्तों, मैं अभी सोच नहीं सकता, मतलब इतना कुछ यहाँ पे अभी लगा हुआ है एक ग्राउंड में, इतना कुछ लगा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये सब खाली है, ये सब भर जाएगा। ग्राउंड से करीबन 5-10 उंगली ऊपर एक फ्लोर बनाया गया था कि बारिश वारिश हो तो घूमने वालों को दिक्कत ना हो, मतलब फुल प्लानिंग के साथ चीज़ें चल रही है दोस्तों। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मैं आपके लिए वो कंप्लीट ब्लॉग लाऊंगा ना जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे हैं अभी मेरे पीछे का नज़ारा कितना बेहतरीन है, लेकिन ये नज़ारा ना 10,000 times बढ़ जाता है रात में, तो जब ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, कंप्लीट डेकोरेशन हो जाएगा, तब मैं आपको फिर एक बार और लेकर आऊँगा। ये था बनने वाला व्यू, आपको एक झटका देने के लिए, आपके वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए, आपको पंप करने के लिए कि यार यहाँ पे बहुत धमाका होने वाला है 2-3 दिन के बाद। तो गाइस आप भी रेडी हो जाइए, और आप भी अपने फैमिलीज के साथ और जो भी कोलकाता में रहते हैं उनके लिए ये न्यू टाउन का वीडियो एक ट्रेलर था दोस्तों, अभी पूरा कोलकाता का ब्लॉग आने वाला है दुर्गा पूजा का, तो चैनल में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके पहले से रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और ये था हमारा दुर्गा पूजा का स्टार्टिंग का वीडियो दोस्तों, चलिए तो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको।